खूब वोट दिए, दो बार विधायक बनाया, लेकिन मैं विपक्ष में बैठ के इतना ही काम कर पाई जितना विपक्ष में कर पाती। और तीसरी बार तो इतने वोट दिए आप लोगों ने पूरे क्षेत्र में कि मध्य प्रदेश में हमारा नाम होगा, 62,000 से जिताया। लेकिन अब सत्ता में आए और सत्ता में आए जैसी हम बार करी जिगनिया की फाइल लेके पहुंचे मुख्यमंत्री के सामने, तो उनने कही खजानो खाली है, पैसा नन्या, वो नहर नहीं बन पाएगी। जब एक दो बार कैबिनेट में देखा कि पैसा नन्या, और जब हमारे कमलनाथ जी की फाइलें आती तो छिंदवाड़ा में यूनिवर्सिटी बन रही, कॉलेज बन रहे, नहर बन रही, जेलें बन रही, तो एक दिन हमने उनसे कही कि भाई ये पैसा कहाँ से आ रहा, जब हमारी विधानसभा को पैसा नहीं है, छिंदवाड़ा को जो तो अरबों खरबों रुपये कहाँ से आ रहा। तो बोले क्या मेरी बराबरी करोगे, मैं मुख्यमंत्री हूँ, तो हमने हम भी कैबिनेट मंत्री है। तो ये सही बात है कि महाराज ने हमें कैबिनेट मंत्री बनाया था ज्योतिराज सिंधिया ने, लेकिन मुख्यमंत्री ने हमें उस विधानसभा में उस कैबिनेट में चपरासी बना के बैठा रहा था। कोई मंत्री के पावर नहीं, कोई काम नहीं, कोई नहर नहीं। तो जब ज्योतिराज सिंधिया से कहते महाराज क्या करेंगे, 5 साल बाद तो मैं चुनाव लड़ने ही नहीं, जो मैंने वादा किया थे कि डटो डटो। जब महाराज ने भी एक दिन मांग करी कि जो वादे किए अगर वो पूरे नहीं हो पाएंगे तो तुम्हारे साथ मैं भी जनता के साथ सड़क पे उतरूंगा, तो पत्रकार से पूछी कमलनाथ जी से, पत्रकार ने कहा भैया सिंधिया जी तो सड़क पे उतर रहे, तो कमलनाथ जी ने कही उतरे तो उतर जाए, हमने महाराज से कई मौका है महाराज उतर जाओ, क्या देख रहे हैं इनके मौतन। और ऐसी सरकार में बैठ के जब क्षेत्र की जनता के सत्ता के माहौल से काम नहीं हो पाएंगे तो करेंगे क्या। लेकिन जब महाराज उतरे तो उनकी सरकार गिर गई,